हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सभी प्रकार के दाल से एक मुलायम नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में एक बढ़िया लाल तीखी चटनी भी बना के दिखाने वाला हूँ। तो फिर चले चटनी और नाश्ता बनाना शुरू करें। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले चटनी के लिए साबुत लाल मिर्ची को भिगो कर लेते हैं। तो उसके लिए यह मैंने 8 से 10 बैड़गी मिर्ची लिया है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो साथ में 2 लौंगी मिर्ची ऐड करिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के मिर्ची को 10 मिनट तक रेस्ट दीजिए, ताकि मिर्ची अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम एक मिक्सिंग बाउल में सभी प्रकार के दाल लेंगे, जिसमें है 2 चम्मच चना दाल और 2 चम्मच मूंग दाल, 2 चम्मच अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल, यह है 2 चम्मच उड़द दाल, लास्ट में लेंगे 2 चम्मच मसूर दाल। अभी इसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे और बाद में थोड़ा हाथ चला के धोकर लेंगे। अब इसमें से पानी निकाल के दाल से डबल पानी डालकर 1 घंटा भिगो कर लेते हैं। हाँ, अगर आप जल्दी में है तो इसमें गर्म पानी डाल के भिगो कर लीजिए, ये दाल जल्द से जल्द भीग जाएगी। तो इधर मिर्ची अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे निकाल के सीधा मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में डालते हैं 5 लहसुन, 1 इंच अदरक के टुकड़े। अभी डालेंगे फ्रेश नारियल के थोड़े से पीसेस। यह है इमली का पानी, इसके बदले आप नींबू का जूस भी डाल सकते हो। अब आधा चम्मच चीनी डाल के स्वादानुसार नमक डालेंगे और बाद में थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इसके लिए तड़का लगाते हैं। तो उसके लिए पैन में 2 चम्मच तेल डाल के गरम करके लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए पहले 1 चम्मच उड़द दाल डालते हैं। इसके बाद आधा चम्मच राई डाल के आधा चम्मच जीरा भी डालते हैं। अभी डालेंगे 1 पिंच हींग। अब 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और बाद में जो हमने चटनी के लिए पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे। अभी फ्लेम को मीडियम टू लो रखकर लगातार 30 से 40 सेकंड तक इसमें चम्मच चलाते हैं। ध्यान रखिए, हमें चटनी को ज़्यादा देर तक गर्म करके नहीं लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी लाल तीखी चटनी बनके तैयार है। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल के लेता हूँ। दोस्तों, यह चटनी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है, तो इसे आप ज़रूर बना के देखिए। और बनाने के बाद आप इसे इडली डोसा या फिर किसी भी नाश्ते के साथ लंच डिनर में साइड डिश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी बात, इसे आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हो। तो अभी उधर देखते हैं कि दाल भीग चुकी है कि नहीं। ये देखिए, इसके आसानी से टुकड़े होने लगे हैं, यानी कि दाल भीग चुकी है। अब इसमें से पानी निकाल के सीधा मिक्सी के जार में डालेंगे। तो अभी इसमें डालते हैं 3 से 4 चम्मच दही। आप अगर दही खाना पसंद नहीं करते हो तो मत मिलाइए। तो इसे पीसते समय ज़रूरत लगे तो इसमें पानी डाल के अच्छे से पीस कर ले। ये देखो आप, ऐसे स्मूथ पीस लेना है। अभी इसे उठा के एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ 1 छोटा सा प्याज और साथ में बारीक कटा हुआ 1 छोटा टमाटर डाल के कद्दूकस किया हुआ थोड़ा बीटरूट डालेंगे। अभी बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्ची डालते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल के स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसे मिलाते हैं, ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हमें यह बैटर थोड़ा सा मीडियम थिक चाहिए, तो आप ज़रूरत लगे तो ही पानी डाल दीजिए। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए।
अभी चलते हैं दोस्तों किचन की ओर। यहाँ पर हमें तवे को तेल से ग्रीस करना है। आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हो, तो आपको जो भी लगाना है वो लगा के एक चम्मच बैटर डाल के फैला लीजिए। इसे आप साइज में छोटा या बड़ा जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। अब इसे 2 मिनट तक सेक लेंगी। 2 मिनट के बाद जब यह ऊपर से सूख जाए तब दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। तो इस तरह प्रेस करते हुए सेक लेना है। ये देखिए, ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह सिक चुका है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस करके सभी नाश्ता आप बना लीजिए, और बनाने के बाद बनाई हुई चटनी के साथ या फिर आपकी पसंदीदा चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।